इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंजुआन और लीजिन आपस में लड़ रहे थे, तभी यू बीच में आकर उन दोनों की लड़ाई को रोकता है और उन दोनों को समझाता है कि हम सब अब बड़े हो गए हैं, तो हमें अब पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और लड़ना बंद कर देना चाहिए। इस पर हम देखते हैं कि वे दोनों इसकी बात मान जाते हैं और लड़ना बंद कर देते हैं, जिसके बाद हमें उस ऑक्शन रूम के होस्ट को दिखाया जाता है जो कि उस मेडिकल पिल की एडवांटेज बता रही होती है, जो कि बताती है कि अगर कोई भी वॉरियर इस मेडिकल पिल को खाएगा तो उसकी पावर बढ़ जाएगी और वे अगले 15 मिनट तक अपनी ओरिजिनल पावर से ज्यादा फुल हो जाएगा। जिस बात को सुनकर यू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये मेडिकल पिल अगर उस दिन मेरे पास होती तो मेरी दोस्तों को इस तरह से घायल नहीं होना पड़ता और मैं उस ग्रीन डीमन को आसानी से मार सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस मेडिकल पिल की बोली लगना स्टार्ट हो जाती है, जहां पर पहली बोली 1000 गोल्ड की होती है और जो कि धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है, जिसे देखकर लीजन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि इस मेडिकल पिल को इतनी ज्यादा अमाउंट में कौन खरीदता है। तभी लिंगजुआन कहता है कि 1800 गोल्ड कॉइन बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि पिछले बार मेरा मेडिकल पिल 2000 गोल्ड में बेचा था और वे सोचता है कि मुझे और ज्यादा मेडिकल पिल अब नहीं बेचना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि वे एक मेडिकल पिल को खा लेता है और जिसे देखकर यू और लीजन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक मेडिकल पिल की ही अमाउंट इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा थी। तभी लिंगजुआन इन दोनों से एक डील करता है और कहता है कि अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें ऐसे 3 मेडिकल पिल दूंगा। ये सुनकर यू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंगजुआन उन दोनों से पूछता है कि सच सच बता दो, तुम लोग ने उस ग्रीन डीमन को मारा था कि तुम्हें उसकी लाश मिली थी। जिस बात को सुनकर हम देखते हैं कि लीजन उससे कहती कि सुन गधे, मैंने तुम्हें बताया तो था कि हमने उस ग्रीन डीमन को खुद मारा था। जिस पर लिंजुआन कहता है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, मैं ये बात यू के मुंह से सुनना चाहता हूँ और तभी मुझे यकीन आएगा। तभी यू उसे बताता है कि हाँ मेरे भाई, ये बात सच है कि मैंने ही उस ग्रीन डीमन को अपने हाथों से मारा था। जो सुनते ही लिंजुआन वे 3 मेडिकल पिल यू को दे देता है। जो लेते ही यू उसे कहता है कि नहीं, मैं इसे ऐसे ही नहीं ले सकता क्योंकि ये मेडिकल पिल बहुत ही ज्यादा महंगे है। और यू उस मेडिकल पिल को उसे देने लगता है। तभी लिंजुआन उसे कहता है कि तुम इस मेडिकल पिल को हमारी दोस्ती के तौर पर रख लो और इसके बदले तुम कहीं और मेरी मदद कर देना। जिस बात को सुनकर लीजिन कहती है कि मुझे पक्का यकीन था कि यू से कुछ चाहता था, इसीलिए वे इसे इतनी अच्छी से बात कर रहा है। और तभी लीजिन लिंजुआन से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, अभी ही बता दो और तुम अभी ही बता दो कि तुम मेरे भाई से क्या चाहते हो। पर तभी लिंजुआन खड़ा होते हुए कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो और वे बताता है कि मैं तो सिर्फ यू से एक छोटा सा फेवर मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके साथ ही वे यू के पास बैठते हुए कहता है कि यू तुम्हें मालूम है कि हम लोग यहाँ पे डीमन हंटिंग ग्रुप ट्राई हॉट के लिए आए हैं और हमारे अलावा इसमें बहुत कोई पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन तुम्हें जैसा कि पता ही होगा कि इसमें सिर्फ 60 लोग पास हो पाएंगे, जिसके बाद ही 10 टीम को बनाया जाएगा और मैंने सुना है कि टॉप 3 फाइनलिस्ट अपनी टीम को खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज अगर तुम टॉप 3 में आ गए तो अपनी टीम में मुझे भी सिलेक्ट कर लेना। जो सुनकर हम देखते हैं कि लीजन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वे लिंगजुआन से कहती है कि यू तुम जैसे कमजोर को क्यों चुनेगा। जिस पर लिंगजुआन कहता है कि यू तुम मुझे कमजोर समझने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं अपनी मैजिक शॉप का सबसे स्ट्रांग मास्टर हूँ। जिस बात को सुनकर यू लिंगजुआन से कहता है कि मेरे भाई, मैं तुम्हें जरूर सिलेक्ट कर लेता, पर यहाँ पर मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं इस कंपटीशन में पास हो पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इस कंपटीशन में बहुत सारे लोग लेवल 5 में हैं, बल्कि अभी तक मैं सिर्फ लेवल 4 में ही हूँ। यहाँ यू ये सब बता ही रहा होता है कि तभी यू का बिस्ट अचानक वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते ही ऑक्शन रूम की होस्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है। यू इसे वहाँ पर जाने से रोकता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वे यू को समझाने की कोशिश करता है कि वहाँ पर जो ट्रेजर वे मुझे चाहिए, जिसे कि यू भी समझ जाता है और वे उंगली से इशारा करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें वही चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि वे अपना सिर हाँ में हिलाता है और जिस पर यू भी समझ जाता है कि वे ट्रेजर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसका जरूर इससे कुछ लेना देना है। दूसरी तरफ हम उस ऑक्शन रूम के होस्ट को देखते हैं, जिसे खुद भी नहीं पता कि इस स्टोन जैसे ट्रेजर में क्या है और वे वहाँ पर सभी बैठे लोगों को कहती है कि हमें नहीं पता है कि इस ट्रेजर में क्या है, इसीलिए आप इस ट्रेजर को अपने ही रिस्क पर खरीदें और एक बार जिसने भी इस ट्रेजर को खरीद लिया वे इसे वापस नहीं कर सकता, तो खरीदने से पहले आप सब इसके बारे में सोच लें। जिसके बाद वे बोली को स्टार्ट कर देती है और तभी हम देखते हैं कि इसकी बोली 10000 गोल्ड से स्टार्ट हो जाती है, जिसे सुनते ही लीजिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इस मामूली से पत्थर में ऐसा क्या है कि इसके 10000 गोल्ड कॉइन दिए जाए और वे भी एक ऐसे ट्रेजर के लिए जिसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यू का बिस्ट यू को मनाने की कोशिश करता है और वे यू को कहता है कि उसे वे ट्रेजर चाहिए, जिस पर हम देखते हैं कि यू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंगजुआन अपना डायमंड कार्ड बाहर निकाल लेता है और वे यू से कहता है कि आज ये ट्रेजर मैं तुम्हें खरीद के दूंगा क्योंकि इतने से पैसे मेरे लिए कुछ नहीं है और तुम्हें इसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की भी कोशिश नहीं, क्योंकि दोस्ती में इतना सब चलता है। यहाँ हम यू को देखते हैं जो कि लिंगजुआन की सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था, लेकिन इन सब से यू का बिस्ट बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन तभी अचानक लीजिन ही 10000 की बोली लगा देती है, जिससे कि वे ट्रेजर लीजिन को मिल जाता है।